गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे इज़ 5th मई एंड दिस इज़ मैथ्स लेक्चर फॉर क्लास 11th एज स्टूडेंट्स। वी आर गोइंग टू डिलीवर 23rd लेक्चर। टुडे वी विल डिस्कस रिलेशंस एंड फंक्शंस। सो टुडे वी विल स्टार्ट रिलेशंस एंड फंक्शंस और सेकेंड चैप्टर रिलेशंस एंड फंक्शंस। ओके, तो देखो यहाँ सबसे पहले अब तुम सेट्स पढ़ चुके हो, तो इन दिस चैप्टर रिलेशंस एंड फंक्शंस सबसे पहले हमें समझना है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स के बारे में। क्या कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स के बारे में हमें सबसे पहले यहाँ पर समझना है, ठीक है। मान लो मैंने लिखा कोई सेट ए है, उसमें एंट्री है 1, 2, 3 और कोई सेट बी है, उसमें हमने एंट्री लिया 4, 5। अभी कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब है हमें ए क्रॉस बी करना है, यहाँ पर ए क्रॉस बी, ठीक है। अब ये कार्टेशियन प्रोडक्ट किस तरीके से लिखा जाता है वो हम यहाँ पर सीखेंगे। तो देखो पहले ए है, तो हमें सबसे पहले ए की एंट्री लेनी है और उसको बी की सभी एंट्री से 1 by 1 कोरिलेट करना है। जैसे हम लोग बोलेंगे 1, 4 फिर 1, 5, ओके एंट्री ओवर हो गई। फिर 2 पर आएंगे, 2, 4, 2, 5 फिर 3 पर 3, 4 एंड 3, 5। तो आप ऐसे लिखोगे 1, 4 और इसको ब्रैकेट में ऐसे बंद करेंगे, ठीक है। देन इसको स्मॉल ब्रैकेट में बंद करना है। ये एक ऑर्डर्ड पेयर बना 1, 4 जिसकी फर्स्ट एंट्री ए की सेट ए की एंट्री है और सेकेंड एंट्री सेट बी की एंट्री है। फिर 1, 4 बनने के बाद आप यहाँ कॉमा देंगे, बनाएंगे 1, 5 फिर क्लोज करो, कॉमा दो। अब एंट्री ओवर हो गई तो सेकेंड दूसरी एंट्री पर आ जाते हैं। 1 से रिलेशन बन चुका है 1, 4, 1, 5। अब 2 से 2, 4, 2, 5, ओके। अब आप 3 पर आओ, 3, 4, 3, 5। तो ऐसे हम लोग लिखते हैं ए क्रॉस बी, इस तरीके से लिखा जाता है। अगर मान लो हमें बी क्रॉस ए लिखना हो तो हम लोग ध्यान देंगे कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में डिफरेंस होता है। ए क्रॉस बी में जितने भी ऑर्डर्ड पेयर हैं, उन सब में जो ऑर्डर्ड पेयर, इनको ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं, इसकी जो फर्स्ट एंट्री है वो जो पहले लिखा है सेट ए की एंट्री है और जो सेकेंड एंट्री है वो सेकेंड वाले की एंट्री है या एलिमेंट है, समझ गए। तो अगर हमें बी क्रॉस ए लिखना है तो आप पहले B के एलिमेंट को लेंगे और उसको A से कोरिलेट करोगे, ऐसे जैसे 4 को लिया तो 4, 1 4, 2 4, 3 लाइक दिस 4, 1 4, 2 4, 3 फिर 5 को 5, 1 5, 2 5, 3 5, 1 5, 2 5, 3। ये हम लोगों ने सीधे सीधे ये सीखा है कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए को किस तरीके से लिखा जाता है। हमारे पास 2 नॉन एम्प्टी सेट्स होते हैं, 2 नॉन एम्प्टी, नॉन एम्प्टी मतलब उसमें कुछ एंट्रीज होती है। तो 2 नॉन एम्प्टी सेट्स पर हाउ वी विल राइट ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए, ये हम लोगों ने यहाँ पर सीखा है। इसके बीच का डिफरेंस हमें बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि जब आप ए क्रॉस बी कंसिडर करते हो तो उन ए क्रॉस बी में जो ऑर्डर्ड पेयर्स होते हैं उन ऑर्डर्ड पेयर्स में, सभी ऑर्डर्ड पेयर्स में 2 एंट्री आपको मिलेगा, तो इन ऑर्डर्ड पेयर्स की जो फर्स्ट एंट्री है वो फर्स्ट सेट से बिलोंग करेगा और सेकेंड एंट्री सेकेंड सेट से बिलोंग करेगा। अगर आपने बी क्रॉस ए लिखा है तो इसके फर्स्ट एंट्री बी को बिलोंग करता है और सेकेंड एंट्री ए को बिलोंग करेगा, सेकेंड एंट्री सेकेंड सेट को, फर्स्ट एंट्री फर्स्ट सेट को बिलोंग करेगा। बात समझ में आ गई है, ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद हम लोग समझेंगे इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर।
ऑर्डर्ड पेयर, इनको ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं, ऑर्डर्ड पेयर, क्योंकि इनका पोजीशन चेंज कर दें तो दूसरा पेयर बन जाता है। तो ऑर्डर इज़ इम्पॉर्टेंट, दिस इज ऑर्डर्ड पेयर। मान लो ये इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर क्या है कि इफ़ ए कॉमा बी इक्वल टू, हमने दिखा दिया सी कॉमा डी, अगर ऐसा कुछ है तो इसका क्या मतलब है? अगर ऑर्डर्ड पेयर इक्वल है इसका मतलब होता है फर्स्ट इंट्री राइट साइड के ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट इंट्री के इक्वल आएगी, फर्स्ट इंट्री के इक्वल आएगी, एंड सेकेंड इंट्री ऑफ एल एच एस ऑर्डर्ड पेयर इज इक्वल टू सेकेंड इंट्री ऑफ आर एच एस ऑर्डर्ड पेयर एंड बी इक्वल टू डी आएगी। फर्स्ट इंट्री के इक्वल और सेकेंड इंट्री के इक्वल आएगी, ये बात हमें ध्यान रखना है। इससे रिलेटेड कई तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे मान लो यहाँ लिख दिया एक्स प्लस वन कॉमा वाई इज इक्वल टू, मैंने लिख दिया टू कॉमा थ्री। मैंने बोला अगर ऐसा है तो एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करें, तो हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट इंट्री क्या है एक्स प्लस वन, यहाँ पर राइट साइड में फर्स्ट इंट्री क्या है टू, इसके इक्वल कर दिया। यहाँ पर सेकेंड इंट्री क्या है वाई, राइट साइड में सेकेंड इंट्री क्या है थ्री, इसके इक्वल कर दिया। इसको सॉल्व कर लिए, एक्स इक्वल टू टू माइनस वन, एक्स वन आ गया और वाई इक्वल टू यहाँ पर कितना आ गया थ्री आ गया। तो इस तरीके से हम लोग इसको सिंप्लीफाई करके बता सकते हैं, यहाँ पर इसका एप्लीकेशन आता है। तो अब हमें एक चीज़ और सीखना है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी हम लोग कैसे फाइंड कर पाएंगे। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी, इसको एन ए क्रॉस बी लिखते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी हाउ वी विल फाइंड। तो मान लो जैसे ए में वन टू थ्री है और बी पर फोर फाइव है, तो तुमने लिखा ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी यहाँ पर क्या बना वन फोर वन फाइव, ठीक है टू फोर ये फाइव, टू फोर टू फाइव एंड थ्री फोर एंड थ्री फाइव, ये ए क्रॉस बी बन गया। इसके अंदर कितनी इंट्रीज है अब काउंट करो, फर्स्ट इंट्री सेकेंड इंट्री थर्ड इंट्री, है ना, और एक ऑर्डर्ड पेयर एक इंट्री होता है, फर्स्ट इंट्री सेकेंड इंट्री थर्ड इंट्री फोर्थ इंट्री फिफ्थ सिक्स, तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, कितने एलिमेंट्स हैं यहाँ पर, सिक्स एलिमेंट्स हैं, सिक्स मेंबर्स हैं, तो एन ए क्रॉस बी कितना हुआ सिक्स हुआ। अभी हमें कैसे पता लगेगा, यहाँ देखो ए क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज थ्री, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इज टू, तो इम्प्लाइज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इन टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। बात समझ में आई कुछ, एन ए क्रॉस बी अगर हमें फाइंड करना है तो सीधे सीधे तुम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए को मल्टीप्लाई कर दो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी से, रिजल्ट आ जाएगा। जैसे इस केस में अगर हमने लिख के भी देखा तो इसमें वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एंट्री आ रही है, और अगर आप सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर देते एन ए इंटू एन बी तभी थ्री इंटू टू सिक्स आउटपुट आ जाता, ठीक है। तो हर बार ये तो छोटा सेट है तो हमने लिख करके काउंट कर लिया, वेरीफाई कर लिया, अगर एंट्रीज ज़्यादा होगी तो हम लोग ऐसे थोड़ी ना लिखेंगे, डायरेक्ट इस फार्मूला को यूज़ करेंगे एन ऑफ ए क्रॉस बी इक्वल्स टू एन ए इंटू एन बी, और हम लोग फाइंड कर सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी। इज इट क्लियर? तो इस फार्मूला को आगे प्रॉब्लम में हम लोग यूज़ करेंगे। चलो अब कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 2.1 पर। यह एक्सरसाइज 2.1 एनसीईआरटी पर, ठीक है 2.1। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देखें इसको क्या लिखा हुआ है, इफ एक्स बाई थ्री प्लस वन कॉमा वाई माइनस टू बाई थ्री इज इक्वल टू ऑर्डर पेयर फाइव बाई थ्री कॉमा वन बाई थ्री, तो फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई, ठीक है ना। अभी अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है कि अगर दो ऑर्डर पेयर इक्वल होते हैं तो उसका क्या मतलब होता है, तो तुम्हें तो यहाँ पर लिखा है एक्स बाई थ्री प्लस वन कॉमा वाई माइनस टू बाई थ्री इज इक्वल टू फाइव बाई थ्री कॉमा वन बाई थ्री, तो एक्स और वाई की वैल्यू पूछिए। तो हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट एंट्री क्या है एक्स बाई थ्री प्लस वन, और राइट साइड पर फर्स्ट एंट्री क्या है फाइव बाई थ्री, इसके इक्वल हो गए, एंड सेकेंड एंट्री क्या है यहाँ पर वाई माइनस टू बाई थ्री, ये किसके इक्वल हो गया वन बाई थ्री के इक्वल हो गया। तो हम लोग सॉल्व कर लेते हैं एक्स के लिए, तो एक्स बाई थ्री इज फाइव बाई थ्री माइनस वन, एंड वाई इक्वल्स टू माइनस टू बाई थ्री को भेज दो टू बाई थ्री प्लस वन बाई थ्री, इसको
इसको सिंपलीफाई कर लेते हैं, x बाई थ्री ये क्या आ गया 5 माइनस 3 बाई थ्री एंड y इक्वल्स टू 3 बाई थ्री। तो ये 3 3 आप कैंसिल कर लें, x इक्वल्स टू 5 माइनस 3 2 आ गया एंड y इक्वल्स टू 1 आ गया। ठीक है, तो ये आंसर हो गया x इक्वल्स टू 2 एंड y इक्वल्स टू 1। बात समझ में आ गई। चलो सेकेंड क्वेश्चन देखें क्या लिखा है। इफ द सेट ए हैज़ 3 एलिमेंट्स एंड सेट बी इज दिस गिवन, देन फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी हमें फाइंड करना है। तुम्हें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी पता होना चाहिए इसके लिए। तो सेट ए हैज़ 3 एलिमेंट्स दिया हुआ है, सेट ए में 3 एलिमेंट्स हैं, मतलब एन ए इक्वल टू 3 है। एंड सेट बी यहाँ पर लिखा हुआ है, तो आप एलिमेंट काउंट कर लो कितने एलिमेंट्स हैं इसमें, 1 2 3, इसमें भी 3 एलिमेंट हैं। तो हम लोग क्या जानते हैं, एज वी नो एन ए क्रॉस बी इक्वल्स टू एन ए इंटू एन बी। तो एन ए कितने हैं 3 और एन बी कितने हैं 3, रिजल्ट क्या बना 9। बात समझ गए, तो इस तरीके से हम लोग आंसर कर सकते हैं। चलो एक दो क्वेश्चन और देखें। ये देखो ये फोर्थ पार्ट है, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। इफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स री राइट द गिवन स्टेटमेंट करेक्टली। हमें चेक करना है कि स्टेटमेंट फॉल्स है या ट्रू है, अगर फॉल्स है तो उसे करेक्ट करके लिखना भी है। तो चलो फर्स्ट पार्ट चेक करें, फोर्थ का फर्स्ट पार्ट। ठीक है, इफ p इक्वल्स टू m कॉमा n एंड q इक्वल्स टू n कॉमा m, देन p क्रॉस q m कॉमा n कॉमा n कॉमा m होगा। तुम्हें पता ना p क्रॉस q में कितने मेंबर होंगे, p में कितने मेंबर हैं 2 मेंबर, q में कितने 2, तो p क्रॉस q में कितने मेंबर हैं 2 × 2 = 4 मेंबर। पर यहाँ तो 2 ही मेंबर दिख रहा है, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है ना, यहाँ तो 2 ही मेंबर दिख रहे हैं। ठीक है, होने चाहिए 4, फॉल्स है। तो p क्रॉस q होना क्या चाहिए, फॉल्स है। क्यों फॉल्स है, एज एन पी क्रॉस क्यू होना चाहिए 2 × 2 = 4 होना चाहिए। ठीक है ना, अब करेक्ट स्टेटमेंट क्या बनेगा। तो तुम्हें पी गिवेन है एम कॉमा एन और क्यू गिवेन है एन कॉमा एम ऐसे, तो पी क्रॉस क्यू आप क्या लिखोगे, यहाँ से पी क्रॉस क्यू है, ध्यान देंगे पी क्रॉस क्यू, तो पी की एंट्री पहले लेंगे, तो एम कॉमा एन एम कॉमा एम ऐसे एम कॉमा एन एम कॉमा एम, फिर एन कॉमा एन एन कॉमा एम। ओके, एम कॉमा एन एम कॉमा एम एन कॉमा एन एंड एन कॉमा एम, ये हमारा करेक्ट आंसर हुआ। समझ गए, दिस इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन, दिस इज करेक्ट। क्या लिखेंगे यहाँ पर, दिस इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन। बात समझ में आ गई। चलो सेकेंड पार्ट देखें क्या दिया है। सेकेंड पार्ट क्या है, इफ ए एंड बी आर नॉन एम्प्टी सेट्स देन ए क्रॉस बी इज ए नॉन एम्प्टी सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू बी। देखो हम लोग क्या सीखे हैं कि अगर ए क्रॉस बी एक नॉन एम्प्टी सेट है ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स एक्स कॉमा वाई, तो इसका क्या मतलब होता है, अगर x, y a क्रॉस b का एलिमेंट है तो फर्स्ट इंट्री फर्स्ट सेट से बिलोंग करती है और सेकेंड इंट्री सेकेंड सेट से। तो यहाँ पर x किसको बिलोंग करना चाहिए, a को, और y किसको बिलोंग करना चाहिए, b को, सेकेंड सेकेंड को और फर्स्ट फर्स्ट को बिलोंग करना चाहिए। वही यहाँ पर लिखा है सच दैट x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b। तो ये तो ट्रू स्टेटमेंट है, जब ट्रू है तब तो कुछ करना ही नहीं है। थर्ड पर देखो क्या, थर्ड पर इफ ए इक्वल टू 1, 2 बी इक्वल टू 3, 4 देन ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन 5 = 5 कैसा होगा। तो हमें ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन 5 बताना है। एक बात बताओ, बी इंटरसेक्शन 5 मतलब एम्प्टी सेट, अब तो आप सेट पढ़ चुके हो ना, तो बी इंटरसेक्शन 5 क्या आएगा, 5। हमें एक ऐसे सेट के साथ इंटरसेक्शन करना है जहाँ कुछ नहीं है, तो बी इंटरसेक्शन 5 बी पर 3, 4 है, उसको 5 के साथ इंटरसेक्शन बताना है, कॉमन कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, तो बी इंटरसेक्शन 5 हो गया। और ए क्रॉस 5 इक्वल्स टू क्या 5 आएगा, क्या ये 5 आएगा, डेफिनेटली 5 आएगा क्योंकि यहाँ कुछ है ही नहीं, तो ए क्रॉस 5 में एक भी एलिमेंट्स नहीं आएंगे,
किससे कोरिलेट करेंगे हम? ए में 1.2 है, उसको 5, 5 तो एम्प्टी सेट है, तो आप कोरिलेट करने जाओगे 1, कुछ मिलेगा ही नहीं, 5 में कुछ नहीं है, तो ए क्रॉस 5 इक्वल्स टू 5, ये ट्रू स्टेटमेंट हो गया, ट्रू स्टेटमेंट हो गया, बात समझ में आ गई, ए क्रॉस 5 भी 5 आएगा। चलो ये फिफ्थ नंबर क्वेश्चन यहाँ दिख रहा है, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है, इफ़ ए इक्वल्स टू -1.1 तो फाइंड ए क्रॉस ए क्रॉस ए, ये हमें फाइंड करना है, ए -1.1 है तो फाइंड ए क्रॉस ए, तीन तीन यहाँ पर लिखा हुआ है, तो पहले आप ए क्रॉस ए फाइंड करो, ये देखो ए क्या लिखा है -1.1, इसके बगल में एक और ए लिख लेते हैं -1.1। अब सबसे पहले आप फाइंड करें ए क्रॉस ए, ए क्रॉस ए, तो ये ए क्रॉस ए क्या आएगा, यहाँ से -1.1, -1.1, एक एंट्री को लेंगे उसके सभी के साथ ऑल पॉसिबल पेयर्स बनाएंगे, -1.-1 देन -1.1 फिर 1 से 1.-1 ओके एंड 1.1 ये बन गया। अब तुम्हें ए क्रॉस ए चाहिए, अब हमें क्या चाहिए, ए क्रॉस ए बनाना है, तब ए क्रॉस ए का एक बार फिर ए के साथ प्रोडक्ट करना है, तो आप इसकी एंट्री देखो क्या है -1.-1, तो अब हम लोग एक एंट्री लेंगे और ए के साथ इसको कोरिलेट करेंगे, तो कैसे कोरिलेट होगा, -1, -1, -1, ठीक है ना, तो हमें ए क्रॉस ए लिखने के लिए एक एंट्री आप लें यहाँ पर -1, -1 और ए के साथ इसको कोरिलेट करें, ए की सभी एंट्रीज से 1/1, तो क्या मिलेगा -1, -1, -1, ये क्या लिखा है -1.1, ये हमारा ए है, तो -1, -1, -1 फिर -1, -1, 1 ऐसे -1, -1, -1, ये एक एंट्री ऐसे बनेगी, ठीक है ना, -1, -1, -1 फिर -1, -1, 1, बात समझ में आ गई, दो बन गए। अब फिर आप इसको लो, ए से कोरिलेट करना है, दोनों तो यही है ना, किसी एक ए से, चलो इसको काट देते हैं कन्फ्यूजन ना हो, इससे तो -1, 1, -1 ठीक है, फिर अब बनाए -1, 1, 1 ओके, इससे बन गया, अब इसके साथ 1, -1, -1 देन 1, -1, 1 बात समझ में आ गई, फिर इसके साथ 1, 1 के साथ 1, 1, -1 एंड देन 1, 1, 1, तो इस तरीके से इसको हम लोग ऑर्डर ट्रिपलेट बोलते हैं, इसमें तो दो दो एंट्री हैं, इसमें थ्री थ्री एंट्री हैं, इसको ऑर्डर ट्रिपलेट बोलते हैं, इस तरीके से हम लोग एक रॉस से फ्रेम कर सकते हैं, बना सकते हैं, बात समझ में आ गई। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने यहाँ पर रिलेशंस एंड फंक्शंस पर यह फर्स्ट लेक्चर डिस्कस किया है, इसमें तुमने समझा है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट टू नॉन एम्प्टी सेट्स पर कैसे लिखा जाता है, अगर दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल होते हैं तो उसका क्या मतलब है, ये हमने सीखा है, फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल, सेकेंड एलिमेंट के इक्वल होता है, और हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किया है। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद जो क्वेश्चन 2.1 पर रह गया है उसको मैं होमवर्क के लिए अपलोड करूंगा, उसको आप ट्राई करना, फिर उसे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।